ओके सो हे गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइज आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइज इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइज आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी रुकावट के हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया है। फिर उसके बाद गाइस आप सभी को चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐड कर लेना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है मैं आप सभी को बताता हूँ। पहले तो गाइस मेरे को जो है अपने मॉडल है जो मेरा इसका थोड़ा सा मतलब कि सर का जो एरिया थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम चले जाएंगे इरेजर टूल में, एंड यहाँ से हम इसकी हार्डनेस को फुल कर लेंगे, एंड इरेजर टूल में जाएंगे एंड यहाँ से हम थोड़ा इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से बिल्कुल। अगर आपने भी मतलब अगर कोई ऐसा कुछ पहना होगा तो आप भी पहले इरेज कर लेना, या फिर आप कुछ कैप वैप पहन के फोटो क्लिक मत कराना, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है क्राउन का PNG लगाना है। तो यहाँ से हम अच्छे तरीके से इरेज कर लेते हैं, एंड उसके बाद आगे आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को मतलब कि जो क्राउन अराउंड सारे PNG मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप सभी को सब कुछ दे दूंगा मैं। तो पहले मैं अच्छे से यहाँ से ऊपर से इरेज कर लेता हूँ जो जो एरिया चाहिए मेरे को, जो जो नहीं चाहिए उसको मैं इरेज कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने मॉडल का यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे, एंड इसको हम कुछ इस टाइप से मॉडल के साइज में रखेंगे। एंड उसके बाद जो हमने डुप्लीकेट लिया इसको हम लेके चले जाएंगे यहाँ से हम FX वाले टूल में, ठीक है। FX वाले टूल में ले जाने के बाद आप सभी को इसमें कलर्स में जाना, फिर ब्लैक एंड व्हाइट में जाना, फिर इसका अमाउंट जो है आपको जीरो कर देना है, एंड यहाँ पे मर्ज कर देना है। फिर उसके बाद आपको नेगेटिव वाला ले लेना है, एंड इसको भी मर्ज कर देना है, एंड यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ से फिर चले जाना है इरेजर टूल में, फिर आप सभी को इरेजर को क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद आपको पहले तो इसको पूरा इरेज कर लेना है वापस से, ठीक है। इरेज कर लेने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको उसकी हार्डनेस को माइनस कर देना है और ओपेसिटी कम कर लेना है, साइज को अपने हिसाब से रख लेना है। एंड फोटो को आप सबको कुछ इस टाइप से जूम करना है, एंड साइड साइड में जो है ऐसे वाइट कलर का इफेक्ट डालना है, यानी कि मतलब कि इससे क्या होगा जो गाइस आपके पीछे जो यार ये जो मतलब स्टार सा है ना जो पीछे उसका जो रिफ्लेक्शन है आपके ऊपर पड़ रहा है, तो ये दिखाने के लिए मैंने आप सभी को ये मतलब कि ये PNG बनवाया था अभी, ठीक है। तो आप सभी को कुछ इस टाइप से कर लेना है, एंड ऐसे जैसे पीछे से, एंड गाइस जिससे जो है ना मतलब कि एकदम रियलिस्टिक सा लुक लगता है और यार अच्छी सी फोटो लगती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जरूर करना आप भी। एंड उसके बाद फिर आगे आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को अगर इसकी ओपेसिटी कम लगे तो आप उसको डुप्लीकेट करके लगा लेना, बाकी इतना बहुत है। बट हम क्या करेंगे, अब यहाँ से चलेंगे ऐड फोटो में, एंड ऐसे हमें क्राउन का PNG लेंगे। एंड गाइस जो क्राउन का PNG है हमें वो कैसे ऐड करना है मैं आप सभी को बताता हूँ। पहले तो आपको अपनी फोटो को जूम कर लेना है, ठीक है, एंड कुछ स्टेप्स आप सभी को यहाँ पे क्राउन को रखना है, ठीक है। जो ये हुआ क्राउन, इसको आप सभी को फिर इसको इरेज कैसे करना है, तो कुछ स्टेप्स आप सभी को इस तरीके से इरेज करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से बिल्कुल, एंड नीचे नीचे इरेज कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर इसका साइज को जो अपने हिसाब से रख लेना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको डन करना है। फिर उसके बाद इसकी भी एक शेडो बनानी, तो इसको शेडो बनाने के लिए हम नीचे लेंगे ड्रॉ टूल में, एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करेंगे, स्मूथ ब्रश को ले लेंगे, एंड उसके बाद इसकी ओपोसिटी होगी अराउंड 15 तक कुछ होगी, एंड उसका साइज फुल, एंड यहाँ पे शेडो क्रिएट कर लेना आपको फोटो को जूम करके कुछ इस टाइप से, एंड थोड़ा कम कम और ज़्यादा ब्रश करके। एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी ओपोसिटी कम कर लेते हैं, ठीक है, तो इतना कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे परफेक्ट है। फिर उसके बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जो यहाँ से अभी डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर डन कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या करना है मैं आप सभी को बताता हूँ, तो यहाँ पे हम डन कर लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को फिर यहाँ से चले जाना है गाइस ऐड फोटो में, ठीक है, ऐड फोटो में चलेंगे हम यहाँ से। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को एक PNG दे दूंगा मैं यहाँ पे, सॉरी गाइस इसको नहीं, आपको ये आई का PNG दे दूंगा, ठीक है। तो उसको आई को अपने कैसे लगाना है, आपको फोटो को जूम कर लेना पहले, एंड फोटो को जूम करने के बाद गाइस आप सभी को फिर कुछ इस टाइप से अपने आई के पास ऐड करना है। एंड उसके बाद गाइस आपको कुछ सिंपली मतलब ऐसे ऐड नहीं करना है, पहले इसकी ओपेसिटी कम कर लेना है, इरेजर टूल में जाना है, एंड आप सबको थोड़ा सा एरिया जो है साइड साइड का एरिया कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है, ठीक है, एरिया को इरेज कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस आपको इसी का डुप्लीकेट कर लेना है, एंड इसको डुप्लीकेट करके आपको दूसरे आई के ऊपर ऐसे लगा देना है, ठीक है, अच्छे तरीके से लगा देना बिल्कुल, ठीक है। एंड उसके बाद जो चाहो तो उसकी ओपोसिटी आप कम भी कर सकते हैं, एंड फुल भी रख सकते हो, ठीक है, बट इसकी ओपोसिटी जो आप कुछ 90 तक रख लेना, एंड कर देना डन, ठीक है। उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है गाइस, आप सबको दोबारा से एक बार ऐड फोटो में जाना है, एंड आप सबको ये वाला PNG मिल जाएगा। एंड उसके बाद गाइस आप सबको उसको ऐड कैसे करना है मैं आप सबको बताता हूँ। पहले तो उसको ना आपको कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हम चलेंगे एडजस्ट में, फिर यहाँ पे हम जाएंगे ह्यू में, ठीक है, ह्यू में जाएंगे, एंड ऊपर नीचे करके देखना गाइस आप सबको जहाँ पे मतलब कि इसका ब्लू कलर मैच हो जाए आपके बैकग्राउंड से, जैसे गाइस ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, यानी कि माइनस कुछ इतने में इसको गाइस प्लस में रख लेना, ठीक है, ऊपर की तरफ 180 पे रख लेना, एकदम मैच हो जाएगा, ठीक है, इतना कर देना। एंड इसका एक्सपोजर थोड़ा कम कर देना, एंड कॉन्ट्रास्ट जो आपको ऊपर की तरफ बढ़ा देना थोड़ा, एंड डन कर देना। एंड उसके बाद चले जाना ऐसे ओपेसिटी इसकी कम कर लेना, एंड उसके बाद फिर आप सबको चले जाना ऐसे इरेजर टूल में, ठीक है। तो पहले अच्छे से यहाँ पे हाथ के पास रख लेते हैं, मैं ओपेसिटी कम करके चेक कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को फिर अच्छे से एकदम लगाने के बाद इरेजर टूल में चले जाना है, एंड इसको इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को सिलेक्ट करके, एंड कुछ स्टेप्स आपको फटाफट से पूरे हैंड के ऊपर कर लेना है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर रखा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप सभी तो मतलब कि आराम से करना एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, कोई कुछ पार्ट रहना जाए इस तरीके से करना, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से। बाकी मैं आप सभी को आगे बताता हूँ करना क्या है आप सभी को। फिर
इतना करने के बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, डन कर देना है एंड उसके बाद आप सबको गाइस चले जाना है वहाँ से दोबारा से ऐड फोटो में एंड ऐसा आप सबको गाइस एक पीएनजी मिल जाएगा ये वाला, तो उसको आप सबको यहाँ से ब्लेंडिंग मोड का स्क्रीन कर देना है एंड उसके बाद आप सबको इसको जूम करना है, ठीक है, जितना हो सकेगा उतना जूम कर लेना एंड उसको आप कुछ स्टेप से यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है, अपने फ्रंट में कुछ स्टेप से एंड उसके बाद यहाँ पे डन कर देना है एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको दोबारा से ऐड फोटो में चले जाना है एंड ऐसा आप सबको एक पीएनजी और मिल जाएगा, ठीक है, ये पार्टिकल का, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको पहले स्क्रीन कर देना है एंड इसको आपको गाइस फुल स्क्रीन करना है पहले तो, ठीक है, एंड कुछ स्टेप्स यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है, एंड चाहो तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेना, सॉरी गाइस यहाँ पे स्क्रीन कर लेते हैं एंड इसकी ओपेसिटी जो गाइस थोड़ी सी कम कर लेना एंड उसके बाद यहाँ पे आप सभी को इतना करने के बाद आप सभी को फिर कर देना है डन, ठीक है, इतना करने के बाद आप सभी को गाइस फिर क्या करना है, आप सभी को जो है मतलब कि यहाँ से चले जाना है ड्रॉ टूल में, ठीक है, ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को जो है थोड़ी सी शेडो बनानी है अपने हैंड के ऊपर, ठीक है, जो मतलब कि ये पीएनजी बनाया ना हमने तो वहाँ पर थोड़ा सा शेडो भी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको शेडो क्रिएट कर लेनी है, ठीक है, अच्छे तरीके से बिल्कुल, ओके गाइस, तो यहाँ पर शेडो भी जो हमारी एकदम अच्छी तरीके से बन चुकी है, तो उसके बाद आप सभी को गाइस फिर क्या करना, मैं आप सभी को बताता हूँ, मतलब कि इसको जो है मतलब कि इसकी कलर क्रिएशन जो होगी हमारी लाइट रूम ऐप के अंदर होगी, तो मतलब कि जो लाइट रूम ऐप का यार जो मतलब सीन है ना गाइस वो तो आप सभी को देखना है, ठीक है, क्योंकि जो उससे हमारा जो असली रिजल्ट जो है हमारा लाइट रूम में जाके पता लगता है ना, तो वाला सीन जो आप सभी को जरूर देखना है, तो इसकी गाइस देखिए आपको ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ मैं गाइस, देखिए इस शेडो से कितना फर्क पड़ रहा है फोटो में, ठीक है, तो इतना आप सभी को समझ आ गया होगा, तो अब हम इस फोटो को सेव कर लेते हैं एंड इसको लेकर चलते हैं हमारे लाइट रूम ऐप के अंदर, ओके गाइस, तो लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आप सबको फिर करना अपनी फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है एंड उसके बाद आप सबको फिर यहाँ से चले जाना लाइट वाला ऑप्शन में, आपको लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, फिर उसके बाद आप सबको उसका कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को जो है गाइस इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है एंड शेडो जो है गाइस आप सभी को इसका शेडो कम कर देना है एंड गाइस जो व्हाइट है आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड गाइस जो ब्लैक है इसको माइनस कर देना है एंड उसके बाद चले जाना आप सबको कलर्स वाले ऑप्शन में, फोटो को जो वाइब्रेशन होगी गाइस इसको बढ़ा देना एंड गाइस उसका जो वाइब्रेशन जो अराउंड 14 तक रख लेना एंड टेम्परेचर थोड़ा माइनस कर देना 6 तक एंड कलर मिक्स में चले जाना ऑरेंज कलर को स्टार्ट करके सैचुरेशन माइनस कर देना एंड ल्यूमिनस को बढ़ा देना, फिर उसके बाद आपको ब्लू कलर में जाना इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है क्योंकि जो इसका ब्लू टोन है ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, इतना करने के बाद आप सबको यहाँ पे अब इतना काम हो जाता है आपका, यहाँ पे डन कर देना एंड इसको चले जाना आप गाइस यहाँ से नीचे वाले टूल में, फोटो जो क्लियरिटी है गाइस आप सबको उसको बढ़ा देना है एंड गाइस जो फोटो में विग्नेट है वो जरूर डालना है, ठीक है, फोटो में विग्नेट जरूर डालना है, ठीक है, एंड उसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ग्रेन अमाउंट मिल जाएगा, तो आप सबको उसको ही बढ़ा देना है एंड उसके बाद आप सबको यहाँ से नीचे वाले टूल में चले जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो की जो शार्पनेस आपको इसको इंक्रीज कर देना है एंड गाइस आप सबको मिल जाएगा नो डायरेक्शन, तो आप सबको उसको ही बढ़ा देना है एंड नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कलर नो डायरेक्शन मिल जाएगा, तो गाइस उसको ही बढ़ा देना है, ठीक है, तो गाइस फाइनली गाइस यहाँ पे जो है हमारी कलर रिटच भी हो चुकी है, तो गाइस आशा करता हूँ यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड गाइस अभी तक आप सभी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो फॉलो जरूर करना, तो चले गए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।